गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में आज आपके साथ एक प्रख्यात समाजशास्त्री जर्मन समाजशास्त्री पे आज हम चर्चा करेंगे। फर्डिनेंड टॉनीस, 26 जुलाई 1855 को आपका जर्मनी में जन्म हुआ था और 9 अप्रैल 1936 में आपका देहांत हुआ। टॉनीस एक प्रख्यात समाजशास्त्री हैं। जब भी टॉनीस का नाम आता है तो उनकी युगल धारणा गैमेनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट जेहन में आ जाता है। इसके कारण ही गैमेनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट के कारण वर्ल्ड फेमस हुए ये, क्योंकि इन धारणाओं के सामने आने के बाद समाजशास्त्र में समुदाय कम्युनिटी का अध्ययन प्रारंभ हुआ। टॉनीस के समाजशास्त्र की कई विशेषताएं हैं। इन्होंने स्वरूपों की चर्चा की, हालांकि जर्मन के ही जॉर्ज सिमेल ने स्वरूपों की चर्चा की थी, लेकिन स्वरूपात्मक दृष्टि को प्रारंभ करने का पूरा श्रेय टॉनीस को है। टॉनीस विचारवादी थे, विचारों को उन्होंने समाज और सामाजिक स्वरूपों का आधार कहा। ये प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म से प्रभावित थे, विज्ञान की वकालत करते थे। इनके विचार में समाजशास्त्र की पद्धति वैज्ञानिक पद्धति ही हो सकती है और ये अमूर्तकरण की बात करते थे, समाजशास्त्र को एब्स्ट्रैक्टिज्म की बात करते थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जर्मन के ओल्डनबर्ग नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, जो सेलिस्विक में अवस्थित था। पिताजी संब्रत के साथ थे। इनके पूर्वज हॉलैंड से आकर जर्मनी में बस गए थे। ग्रामीण परिवेश में इनका जीवन बीता, इसलिए ग्रामीण जगत की इन्हें ज़्यादा चर्चा की है। आरंभ में इनकी पढ़ाई स्टॉफबर्ग विश्वविद्यालय से इन्हें मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1877 में दर्शन शास्त्र में पीएचडी की और 1881 में कील विश्वविद्यालय में फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के शिक्षक हुए और जीवन पर्यंत ये कील विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। 1921 में जर्मन समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और 1921 से 1933 तक आप जर्मन समाजशास्त्र परिषद के पद पर अध्यक्ष पद पर बने रहे। नाजियों ने 1933 में परिषद को समाप्त कर दिया और गैमेनशाफ्ट गेसेलशाफ्ट एक छोटी सी पुस्तक इन्होंने 1881 में लिखी थी। इस पुस्तक का शीर्षक था संस्कृति के दर्शन का एक सिद्धांत। यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक में कई बार संशोधन भी किया और विस्तारित किया और 1909 में नैतिकता के संबंध में इन्होंने लिखा। 1921 में टॉनीस ने मार्क्स के जीवन और कृतित्व के संबंध में एक किताब लिखी। फिर 1922 में क्रिटिक डर ऑफेन टोलसीन मेनू अर्थात जनमत की आलोचना किताब लिखी। 1926 में डॉस जेनम लिखा। 1935 में टॉनीस ने इन फ्यूरिंग इन डाय सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र की भूमिका नामक पुस्तक लिखी। इन्हें बहुत से छोटे बड़े निबंध लिखे हैं। रचनाओं की दृष्टि से फर्डिनेंड टॉनीस लंबे समय तक काफ़ी कुछ लिखा, लेकिन मैक्स वेबर जैसी इनको स्वीकृति नहीं मिल सकी, क्योंकि उनके शिष्य उतने ज़्यादा नहीं थे जो इनके विचार को आगे बढ़ा सके। फिर भी टॉनीस समाजशास्त्र के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। टॉनीस के समाजशास्त्र की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह है कि आपने द्वंद संघर्ष दबाव शोषण और दमन की तो व्यापक चर्चा की है, आप इन पे चर्चा करने के बाद लेकिन जब सैद्धांतिक रूप से बात आती है तो इसकी चर्चा नहीं करते, सिर्फ सहयोग की बात करते हैं। दम संघर्ष दबाव और शोषण की चर्चा उल्लेख करते हैं, लेकिन इसका कोई विधिवत इनने विश्लेषण नहीं किया। इसलिए आर कोइनिंग कहते हैं कि टॉनी संघर्ष की विभीषिका में रहते हुए भी सामाजिक जीवन में केवल सहयोग, पारस्परिक समझदारी, मित्रता, आध्यात्मिक सद्भाव की ही चर्चा करते रहे। ये दर्शन शास्त्र के क्षेत्र से समाजशास्त्र में आए, इसलिए इनकी बौद्धिक पृष्ठभूमि में जो है ज्ञानोदय की विचारधारा से प्रेरित थी। समाजशास्त्र की धारणा इन्होंने अपनी पुस्तक जो 1881 में थी गैमेनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट में की है। ये कहते हैं समाजशास्त्र एक ज्यामिति संबंधी धारणा है। समाजशास्त्र का वर्गीकरण कर टॉनी ने एक हिस्से को प्योर सोशियोलॉजी शुद्ध समाजशास्त्र या औपचारिक समाजशास्त्र का और दूसरे हिस्से को व्यवहारिक समाजशास्त्र का। इन दो औपचारिक और व्यवहारिक में समाजशास्त्र को इन्होंने विभाजित किया।
ये कहते हैं शुद्ध समाजशास्त्र में हॉबसेन ने प्रेरणा ली और कहते हैं कि मानसिक घटना अमूर्त वस्तुओं अर्थात ज्यामिति स्वरूपों को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये एक ऐसे विज्ञान की परियोजना इन्होंने प्रस्तुत की जिसमें पूर्व निर्धारित कोटियों का निर्धारण किया जा सकता है। ऐसे स्वरूप में अंतर वस्तु यानी व्यक्ति की प्रवृत्ति वर्ग समूह के स्वार्थ की चर्चा नहीं होती है। व्यवहारिक समाजशास्त्र में जब वो कहते हैं कि विकास और व्यवहारिक समूह वर्गों का ऐतिहासिक संदर्भ में देखना जरूरी है। टानिच के जो शिष्य थे उन्होंने व्यवहारिक समाजशास्त्र को इतिहास का वैज्ञानिक दर्शन कहा। प्यारा में टानिच ने कहा था शुद्ध समाजशास्त्र वास्तविकता को स्थिरता के रूप में वर्णित करता और समझता है, इसके विपरीत व्यवहारिक समाजशास्त्र इन्हीं तथ्यों को गत्यात्मकता में देखता और समझना चाहता है। टॉनिज ने इन दोनों प्रकारों में से एक धारणात्मक विपरीतीकरण के द्वारा व्यवहारिक समाजशास्त्र को विकसित करने का प्रयास किया। उनकी इच्छा उनके आप कहते थे कि इच्छा और युक्ति विल और रीजन में द्वंद्वात्मक अंतःक्रिया है, वही सामाजिक संबंधों का आधार है। यानी विल और रीजन के बीच में जो द्वंद्व होता है, जो द्वंद्वात्मक अंतःक्रिया होती है, वही सामाजिक संबंध है। यानी सामाजिक संबंध को टॉनिज ने विल और रीजन के अंतःक्रिया के रूप में प्रतिपादित किया। ये समाजशास्त्र को वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक स्थिति में लाने का प्रयास किया है। इनके समाजशास्त्र का चरित्र उनके दावों के मुताबिक वैज्ञानिक था। इनकी दृष्टि प्रत्यक्षवाद से प्रभावित थी। ये वैज्ञानिक दृष्टि से समाजशास्त्र को स्थापित कर रहे थे। टॉनिज ने जितना भी अध्ययन किया उसके आधार पर टॉनिज को स्वरूपात्मक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। टॉनिज का स्वरूपात्मक समाजशास्त्र सिमेल के समाजशास्त्र से थोड़ा भिन्न है। सिमेल ने स्वरूप के आंतरिक तत्वों की चर्चा नहीं के बराबर की है। इसके विपरीत टॉनिज ने सामाजिक संबंध समूह नियम सामाजिक ज्ञान के स्वरूप बनाए और उनके आंतरिक विश्लेषण किया है, इसलिए ये स्वरूपात्मक समाजशास्त्र के जनक कहलाते हैं। गेमिनशाफ्ट जो है, गेमिनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट, इसमें संस्कृति के दर्शन सिद्धांत पर उन्होंने जो चर्चा की है उसमें संबंधों की बात करते हैं। टॉनिज कहते हैं गेमिनशाफ्ट में इन्होंने संबंधों को पुनर्वर्गित किया। इसमें कहते हैं एक प्रकार से वंश क्रम के संबंध, रिलेशन ऑफ डिसेंट कहलाते हैं, संबंध जो हमारे एक वंश क्रम के संबंध होते हैं जो जन्म और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, इन्हें टॉनिज प्राकृतिक संबंध कहता है। टॉनिज कहता है ये नेचुरल रिलेशन है, प्राकृतिक संबंध है। जन्म और रक्त के हमारे जो संबंध होते हैं टॉनिज के अनुसार वो प्राकृतिक संबंध है। इनके अनुसार ऐसे संबंध स्वतः बनते हैं, जन्म के कारण ही लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे ही जन्म होता है व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बच्चे का जन्म हुआ वो किसी का बच्चा कहलाएगा, कोई व्यक्ति उसका पिता कहलाएगा, कोई व्यक्ति उसकी माँ, कोई भाई, कोई बहन, देखिए प्राकृतिक रूप से उसके संबंध जुड़ गए। इस प्रकार के गेमिनशाफ्ट संबंध, वो कहता है पड़ोसियों के संबंध जो होते हैं वो नेबरहुड रिलेशन है। गेमिनशाफ्ट को गेमिनशाफ्ट संबंध को उसने पड़ोसियों के संबंध नेबरहुड संबंध कहा। ये कहता है कि इनका मूल आधार एक साथ निवास करना है। इन संबंधों के आधार पर टॉनिज ने परिवार और विवाह के संबंधों को कनेक्ट किया है, जोड़ा है, और कहते हैं इनका दायरा बहुत बड़ा है, विस्तृत दायरे में है परिवार और विवाह के संबंध। साथ रहने में छोटे छोटे समूहों को सम्मिलित कर सकते हैं। तीसरे प्रकार के गेमिनशाफ्ट जो संबंध है वो मित्रवत फ्रेंडली होते हैं। ये संबंध आध्यात्मिक निकटता की चेतना के आधार पर बनते हैं। इनमें मूल भावना एक साथ, मित्र के साथ हम एक होने की भावना रहती है, मूल भावना ये है। इनके पता चलता है ये उस समय बढ़ जाते हैं संबंध जब पता चलता है कि लोग एक ही धर्म के हैं, एक ही भाषा को बोलने वाले हैं, एक ही स्थान के हैं। अच्छा, इन संबंधों में समानता और एक साथ जुड़े रहने का महत्व बहुत अधिक है। ये गेमिनशाफ्ट की बात है। दूसरे प्रकार के संबंध जो गेसेलशाफ्ट की बात करते हैं, गेसेलशाफ्ट में इनके संबंधों का सैद्धांतिक आधार युक्तियुक्त पूर्ण विनिमय है, एक्सचेंज है, मतलब एक लॉजिकल एक्सचेंज की बात करता है। वो कहते हैं गेसेलशाफ्ट संबंधों में व्यक्ति जो है वस्तुओं में मालिकाना में हक में बदलने की हम जो प्रक्रिया है वो गेसेलशाफ्ट संबंध है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के विरोधियों को एक साथ लेकर चलने का आग्रह होता है। जब ऐसे रिलेशन होते हैं गेसेलशाफ्ट में, व्यक्ति अपने विरोधियों को एक साथ लेकर चलने का आग्रह करता है। इन संबंधों में थोड़ी बहुत समुदाय की भावना, कम्युनिटी फीलिंग थोड़ी बहुत होती है, परंतु व्यक्तियों के बीच ऐसे संबंधों को होना जो एक दूसरे से जुड़े नहीं है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, गेसेलशाफ्ट संबंधों में ही संभव है। ये दुश्मनों को भी बीच में हो सकते हैं, मतलब दो दुश्मन के बीच में भी ये संबंध हो सकते हैं। अनेक समूह, सामूहिकता, समुदाय, राजकीय व्यक्तियों के रूप में ऐसे संबंध
स्थापित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रकार से गैसल सेफ है, जो आप देखिए विभिन्न राष्ट्रों के संबंधों के आधार पर बनाओ सबको जोड़ने का प्राप्त करता है। इन संबंधों का चरित्र युक्तिपूर्ण एक लॉजिकल होता है, मतलब संबंधों का नेचर यहां लॉजिकल होता है। गैसल सेफ शब्द का प्रयोग मैक्स वेबर और जॉर्ज सिमेल ने भी किया था। ये तीनों विद्वान जो हैं टॉनिस, मैक्स वेबर और जॉर्ज सिमेल जो हैं गैसल सेफ अर्थात संघ के संबंधों को युक्तियुक्त पूर्ण पर आधारित कहते हैं। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को गैसल सेफ कहा है। कारखाने और नगर जो है कारखाना फैक्ट्रीज और शहर जो है गैसल सेफ है। सिमेल ने भी इनकी चर्चा के कि नगरों को उसने गैसल सेफ के आधार पर सिमेल ने भी बताया और उनकी चर्चा करके वो इनके हित और इनके युक्ति चरित्र पर आधारित है। ये कहता है टॉनिस कहता है दो प्रकार के जुड़ाव अर्थात संबंध सामुदायिक और संघ संबंधी न केवल व्यक्ति के आपस के संबंधों को दर्शाते हैं बल्कि व्यक्ति से समाज का क्या संबंध है उन्हें भी प्रदर्शित करते हैं। जो गैमिन शाफ्ट का संपूर्ण समूह समाज में पहले उभरता है इसके अंग पहले से जुड़े रहते हैं। संघ जैसे संबंध अर्थात गैसिल शाफ्ट में या समाज में संपूर्णता समूह की संपूर्णता का निर्माण अलग अलग पक्षों और हितों के एकजुट होने से होता है। ये इनका जो समूह का संबंध था टॉनिस ने कहा व्यक्ति जब भी संबंध गहराते हैं व्यक्तियों के तभी समूह का गठन होता है। वो संबंधों के आधार पर उसने समूह की बात की है। कहते हैं जब जब हमारे संबंध व्यक्तियों के गहराते हैं बहुत गहराई तक जाते हैं तो एक समूह बनने लगता है और सामाजिक संबंधों के समूह समान ही समूह भी अलग अलग प्रकार के फिर बन जाते हैं। आपके जैसे समूह होंगे माने जैसे संबंध होंगे वैसा समूह बनेगा। ये कहता है समूह को उसने गैमिन शाफ्ट और गैसल शाफ्ट के आधार पर वर्गीकृत किया है। देखिए परिवार ये गैमिन शाफ्ट में जाता है, मित्रों का समूह गैमिन शाफ्ट, गैसल शाफ्ट में आप देखिए हित की प्रधानता होती है तो राजनीतिक दल, व्यापारी संघ, फैक्ट्रीज ये संबंध गैसल शाफ्ट आते हैं। ये इनका दो प्रकार से इन्हें गैसल शाफ्ट और गैमिन शाफ्ट जो था ये वास्तव में सामाजिक संबंधों को एक नए तरीके से इन्हें बताया। अब हम देखते हैं टॉनिस ने 50 वर्षों तक दर्शन और समाजशास्त्र की चर्चा की है। इनके विचारों में कई बार बदलाव भी आया लेकिन वो उसको स्थापित करते रहे और जर्मनी में जो परिस्थितियां बदलती थी उससे इनके विचार भी बदलते रहे। ब्रिटिश और जर्मन नृतत्ववादियों से जो आदिवासी जीवन का वर्णन कर रहे हैं, पिछले समाजों की चर्चा कर रहे हैं, इस पर भी इन्होंने बहुत किच किया। टॉनिस ने न्यायविद, राजनीतिक विज्ञान, इतिहासकार की रचनाओं को पढ़ा और समाज में परिवर्तन के मूल चरित्र विशेष रूप से संवैधानिक कानून मूल्यों मानदंडों के चरित्र में संक्रमणकालीन समाज का आकलन किया है। बोले इनके साथ साथ समाज संक्रमण काल में है। ये परिवर्तन की चर्चा वैचारिक संदर्भ में करते हैं। विचारवादी थे, विचार ही इनके संपूर्ण जीवन का सार्थक मानते थे। तो ये इनका था। और कुछ भी कहा जाए 20वीं शताब्दी में टॉनिस ने जो समाजशास्त्र के विकास में दो सीमाएं थी, एक 19वीं सदी के समाजशास्त्र में इतिहास का दर्शन था और इनका कोशिश थी कि 20वीं सदी में सामाजिक ज्ञान का एक व्यवस्थित व्यापक सांस्कृतिक ऐतिहासिक समन्वय विकसित करें, मतलब ऐतिहासिक के साथ साथ ये समन्वय स्थापित करना चाहते थे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक का। तो ये फंडी टॉनिस का विचार था जो कि गैमिन शाफ्ट और गैसल शाफ्ट की धारणा के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए और इन्हीं से प्रेरित होके इनकी गैमिन शाफ्ट और गैसल शाफ्ट धारणा प्रेरित होकर इमैनुअल दुर्कीन ने समाज और उसमें होने वाले भेदों में सावभी मशीनी सुदृढ़ता जैसे शब्दों का प्रयोग किया। टॉनिस के इस वर्गीकरण का प्रयोग वर्तमान में भी किया जा रहा है। इन धारणाओं से ही टॉनिस की प्रासंगिकता को वर्तमान समाजशास्त्र ने बनाए रखा है। आज हम करते हैं ना गैमिन शाफ्ट और गैसल शाफ्ट, कोरोना काल में आप देखिए गैमिन शाफ्ट और गैसल शाफ्ट की बात हो रही है, आपसे कहा जा रहा है कि आप संबंध जो है अपने आभासी बना लीजिए। गैमिन शाफ्ट जैसे परिवार और मित्र संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। टॉनिस स्वरूपात्मक समाजशास्त्र के जनक थे जिसका श्रेय जॉर्ज सिमेल को देते हैं, कई विद्वान जॉर्ज सिमेल को देते हैं, लेकिन स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की जो बात है जितनी टॉनिस ने करी उसको जॉर्ज सिमेल ने विस्तारित किया है। जर्मन की परंपरा है तो ये इसको उन्होंने विस्तारित किया और आप देखेंगे वर्तमान समय में वर्तमान जो है समाजशास्त्र में टॉनिस की चर्चा तो कम हो रही है क्योंकि इनके उतने अनुयायी नहीं थे, इनके फॉलोअर नहीं थे, लेकिन वैचारिक स्थिति के कारण आज भी टॉनिस के विचारों की लोकप्रियता कभी भी कम नहीं हुई है क्योंकि वो वैचारिक स्थिति थी, उनके विचारों की लोकप्रियता बहुत थी, आज भी है, परंतु उनको उतना ज़्यादा महत्व नहीं मिला
जर्मनी में जॉर्ज सेमेल, वॉन वीर, मैकवेबर जो थे इनका ज्यादा बोलबाला था, और टॉनीज ने एक नए सिरे से समाजशास्त्र को देखने की बात की, तो इनके विचारों के सामने टॉनीज दब गए। लेकिन टॉनीज का गेमिन सेफ्ट और गैसेल सेफ्ट एक वर्ल्ड फ्रेम थ्योरीज है जिसके कारण वो जाने जाते हैं। आज आपके साथ टॉनीज पे चर्चा की, आज इतना ही।